अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रवा डोसा। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी और उतना ही हेल्दी, बहुत हेल्दी है रवे का डोसा। विंटर्स में आप बच्चों को दो बनाकर आप भी खाओ, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है और वेदर के हिसाब से तो और मज़ा आ जाता है खाने। और उसके साथ मैंने बनाई थी ये कोकोनट की चटनी, ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही घर की चीज़ों से बन जाती है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है, पूरी वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है तो आपको पता चल जाएगा। और ये ट्रस्ट में ये आधे घंटे में आपका मस्त सा डोसा बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप परफेक्टली वो ऐसे राउंड भी नहीं कर सकते ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याली में रवा ली थी, मेरे पास जाड़े वाले रवे थे, अगर आपके पास बारीक है जाड़े कोई भी चलेंगे। ऐसे आपको मिक्सर जार में डालना है, ठीक है। और उसके साथ मैंने ले ली हूँ गेहूँ का आटा एक चम्मच, क्योंकि मेरा रवा थोड़ा था, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी ये वाला। और इसमें मैंने डाल दी हूँ एक चम्मच बेसन, इसलिए मैंने थोड़ा ही ली थी और मैंने इसे सोची थी कि अगर ये सही बना तो ही मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगी, अच्छा बना तो, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करके डालूँगी, मतलब कुछ और मेथड ट्राई करके बताऊँगी। तो ये मैंने अच्छे से पीस ली थी। और ये बाय द वे ये न्यू फूड प्रोसेसर है जो मुझे मेरे सास ससुर ने गिफ्ट किए, और ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही थी, तो बोले चलो बनाते हैं। और इसके अंदर मैंने ये रवा जो पीस ली थी वो डाल दी हूँ, और मेरे पास घर पे रखा हुआ था दही। यूजुअली ये पैकेट की दही मैं बहुत कम लाती हूँ, घर पे ही मैं दही जमाती हूँ, बट ये था और उसको बस यूटिलाइज़ करना था मुझे कैसे भी, क्योंकि वो जल्दी एक्सपायर भी हो जाता है इसलिए। तो बस मैंने इसके अंदर एक समझो एक प्याली दही डाली हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके मैं 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए फुल गया है रवा, अच्छे से ना उसमें दही गया है और वो अच्छे से फुल गया है। तो बस हम लोग को ऐसे ही करना है। और फिर ये आधे मतलब एक 15-20 मिनट बाद ना मैंने उसको खोली और उसके अंदर थोड़ा सी पानी डाल, मुझे जितना थिक बैटर चाहिए मैं उतना वैसा बना लूँगी। और ये ट्रस्ट में वो बाहर के बैटर से मच 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 बेटर था ये, और रवे का है तो ऑफ़ कोर्स हेल्दी भी है, बच्चे भी शौक से खाएंगे, आप भी खा सकते हो, आपको तो बड़ों को तो पसंद ही है, बच्चों को भी और अच्छा लगेगा और प्लस ये हेल्दी है तो कोई दूसरी गुंजाइश ही नहीं है। तो मैंने इसमें पानी डाल के मुझे जितना भी पतला चाहिए था मैंने उतना बना ली अपने हिसाब से। तो ये जो मैंने कप ली हूँ ना समझो, इसका मैंने आधा कप डाली हूँ पानी, एक प्याली रवे में आधा कप पानी, ठीक है। तो और इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दी हूँ। अगर आपको चाहिए ना तो आप ये टाइम पे ना इसमें गाजर, कैप्सिकम, बीन्स या जो कुछ भी वेजिटेबल आपको चाहिए, कोथमीर, मिर्ची और प्याज, टमाटर, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो, ठीक है। तो वो मैंने रख दी हूँ फिर से और एक 5-10 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने चने ले ली हूँ, ये जो अगर आप दुकान पे बोलोगे ना जाके वो चटनी के लिए चने दो तो वो लोग देते। और इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ गार्लिक और मिर्ची, मैंने एक ही डाली थी हरी मिर्ची, और लाल मिर्ची मैंने दो डाली थी। और इसके साथ ना मैंने डाली थी ब्लैक पेपर अखे वाले, क्योंकि हरी मिर्ची ना मेरे घर पे थोड़ी कम खाते। और इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ कोथमीर थोड़ी सी कट करके। अगर आपको चाहिए ना आप हरी मिर्ची ज़्यादा ऐड करना, अगर आप लोग तीखा ज़्यादा खाते हो और मिर्ची वैसे ज़्यादा खाते हो तो। और इसके अंदर मैंने कोकोनट ले ली थी, ठीक है। तो बस इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। और ये देखिए इसको एकदम पतला करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, बस इसको इतना ही हम लोगों को करना है। एक बार ये टाइम पे भी आप टेस्ट कर लेना, नमक कम ज़्यादा है कुछ है तो ऐड कर लेना, ये टाइम पे आप सॉल्ट है जो कुछ भी है डाल देना, ठीक है। और इसके साथ मैंने बघार दे दी थी इसको, राइस, ज़ीरा और मिर्ची, कड़ी पत्ता नहीं था मेरे पास, अदरवाइज़ वो भी मैं डालती, बट खैर चलो बन गई थी अच्छी सी चटनी। ये सुबह सुबह के टाइम पर मैं बना रही थी नाश्ते के लिए,
तो यहाँ पर मैंने तवा बहुत टाइम पहले से गर्म रख दी क्योंकि मेरा ये बहुत मोटा है तवा, तो है ना, मैंने इसको बहुत टाइम से गर्म करने रख दी थी। और इसके ऊपर मैं पानी डाल दूँगी ताकि सिर्फ टॉप इसका थोड़ा ठंडा हो जाए। और मैं इस तरीके से बना रही थी कि मैंने फर्स्ट वाला तो ऑफकोर्स सबका ही ख़राब बनता है, बट ये मैंने सेकेंड बना रही थी। तो मैंने ऐसे सोची कि अरे ये रवा है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा पकने, तो मैंने ढक्कन डाल के इसको अच्छे से एकदम अच्छे से कुक की। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप लोग ऐसे मत करना, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये वैसे भी अच्छे से पक गया था। क्योंकि ना मैंने और ट्राई की ना, वो अच्छे से हो गया था ऐसे बिना लीड के भी, तो इट्स ओके। और ये मैं टर्न करके पकाती हूँ क्योंकि मेरा एक फोबिया है कि नहीं वो कच्चा रहता है, कच्चा रहता है, तो इसलिए मैं ऐसे टर्न करके पूरा मेक श्योर करती हूँ कि दोनों साइड अच्छे से कुक हो जाए। क्योंकि बच्ची को खाना है मेरी, उसको भी मैं खिलाऊंगी ना, तो कुछ अगर कच्चा रह गया तो उसका पेट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक नॉर्मल सा भी बनाकर बता रही हूँ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर घी डाली है, आपको चाहे बटर है या ऑयल है कुछ भी डाल सकते हो, मैंने घी डाल के बनाई हूँ। और ये इतना अच्छा बनाता है, ये देखो बैटर उसका कितना अच्छा है। और बस ये मैं पीछे से भी बना लूँगी टर्न करके, इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। और इसको ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं, बस ध्यान रखना कि ये जले ना। स्टार्टिंग पे आपको फास्ट गैस रखना है, फिर इसको स्लो पे अच्छे से पकने दो। और जब निकालने का टाइम आएगा ना, थोड़ा और फास्ट गैस करके इसको अच्छा एक ब्राउन कलर आने देना पीछे। और ये इतना टेस्टी बना था, मैंने इसके साथ और कुछ भी नहीं बनाई थी, आलू की भाजी वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये इससे ही इतना अच्छा लग रहा था। ये अगर आप ट्राई करोगे ना ऐसा ही बनाना, सच में ये आपके फूड में डेली जो भी आप हमेशा बनाते हो ना खाना, ये उसके लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है रेसिपी। और ये मैंने मतलब मुझे जो गिफ्ट मिला था, मैंने उसके वो ही नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह ये बनाई थी वो फूड प्रोसेसर से, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था। आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मिलते हैं, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।